विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नूरपुर के प्रत्याशी अजय महाजन ने शनिवार को अपना नामांकन भरा। उनके नामांकन पर हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर अजय महाजन के समर्थकों द्वारा मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफिले के तौर पर एक रैली भी निकालकर अपनी ताकत का एहसास करवाया गया। कंडवाल के बणीखड़ से शुरू हुई ये रैली चौगान मैदान में खत्म हुई, जहां सभी समर्थकों को अजय महाजन ने संबोधित भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ आया ये काफिला अपने आप में बयां करता है कि जनता की राय क्या है। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ने मन बना लिया है कि वो किसकी जमानत जब्त करवाती है। उन्होंने कहा कि कल भाजपा के प्रत्याशी ने कहा था कि वे अजय महाजन की जमानत जब्त करवा देंगे। जमानत जब्त तो सिर्फ जनता करवा सकती है, वो समय बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होती है। अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सातवीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 100% बनेगी और इतनी ज्यादा मेजोरिटी से बनेगी और राजा वीरभद्र सिंह दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मैं ये उनकी अपनी सोच है और मैं कह रहा हूं कि इतना पॉलिटिकल इतना घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमानत जो है ये जनता जब गाती है और आने वाले समय में पता लग जाएगा कि किसकी कितनी वोटें बढ़ती है, किसकी जमानत जब्त होती है।